अब क्या करें? भाभी जी के लिए पकौड़े बना दे। झूलिए झूलिए, इताइए, मजे लीजिए बारिश के, एंजॉय द रेन, कम ऑन। खोल रहे खोल रहे, का है? बारिश आ रही है। बारिश बंद हो गई। तिवारी जी मुबारक हो, बारिश हो रही है। वाकई भभूति जी तो कमाल हो गया। भाभी जी भाभी जी भाभी जी लगता अरे हाँ, मोरनी से याद आया, भाभी जी घर पे हैं? जी वो मंदिर गई हैं। उन्हें तो इस बारिश का आनंद लेना चाहिए था। आनंद से याद आया, भाभी जी घर पर हैं? आच्छी। खूब मारी गुलाठियां पर हाथ ना आई गुलरियां, तीन चीजें याद रह गई, नमक मिर्च और लकड़ियां। अंगूरी अंगूरी आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या हुआ लड्डू के भैया? अरे कुछ हुआ ही तो नहीं, इसी बात का तो रोना है। हाय भैया, आप ही तो पहले प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं तो हम कहां मना किए हैं। हम लल्ला होने की बात नहीं कर रहे हैं पगली। तो का होने की बात कर रहे हैं लड्डू के भैया? अरे वो सब छोड़ो, तुम जाओ हमारे लिए खाना लगाओ, जाओ। खाना ना ही बना है। क्या का है? किस खुशी में नहीं बना है? कोई खुशी में ना ही बना ना ही है, वो प्याज ही खत्म हो गए हैं सारे। आप पता नहीं कहाँ चले गए, आपको पता है का? हमको कैसे पता होगा पगली? लड्डू कह रहा था कि आप काट रहे थे प्याज। अरे वो खबरी ने तो बस हमको एक बार प्याज काटते हुए देखा था, और वो भी हम तुम्हारे लिए काट रहे थे। हाँ ठीक बा, हम टिल्लू को बोले हैं, वो ले आएगा प्याज, फिर बना देंगे। तब तक हम आपको प्लेट में गोवा ला कर देते हैं। गोवा? तो पूरा का पूरा गोवा प्लेट में धर के लाओगी क्या? हाय दया, हम अमरूद की बात कर रहे हैं। अरे वो गुआवा होता है पगली। हाँ सही पकड़े है। जाओ लाओ। पड़ोसन को पकोड़े खिलाए सैया, हम तो भूखे ही बैठे हैं, आए दैया। अंगूरी अंगूरी, यहाँ हो, यहाँ हो। कहो। ये ऐसा बेतुका सा गाना क्यों गा रही हो? हाय दैया, बेतुका काका, ये तो हमारे गांव का फेक सॉन्ग है। वो फोक सॉन्ग होता है पगली। हाँ सही पकड़े है, हमारी अम्मा जी बहुत गाती थी। तो अभी इसी वक्त ये गाना गाने की क्या जरूरत आ गई? आपको बुरा लगा का? बुरा लगा? बहुत बुरा लगा, इस गाने ने हमको एकदम भीतर तक हिला दिया। का है? हम पड़ोसन को पकौड़े क्यों खिलाएंगे? हम अपनी जोरू को पकौड़े नहीं खिलाएंगे। इसका एक्सीलेटर शुरू हो गया। लगता है बादलों ने भी अपना एक्सीलेटर दबा दिया। हाय, बड़ी ख्वाहिश थी कि भाभी जी के साथ बारिश में एक बार रेन डांस कर लो, लेकिन किस्मत को ये मंजूर न था। अपना तो वो हाल हुआ गा कि बेर भी नहीं खा पाए और बेरिया के कांटों से जख्मी भी हो गया। हाँ। बारिश हो रही है, बदन गरज रहे हैं, बदन बुखार से तप रहा है, लेकिन एक बार भाभी जी के साथ रेन डांस कर लूंगा बारिश में तो ये बुखार उड़न छू हो जाएगा। चल विभूति, हिम्मत बटोर और निकल बेटा। चलो पीछे। अनु ये क्या पागलपन है, मुझे जाने दो। ये मेरा पागलपन नहीं, तुम्हारा पागलपन है। तुम्हें पता है ना कि तुम बारिश में भीग कर बीमार हो जाते हो। चलो अनु अनु मुझे जाने दो, अनु प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नहीं तो यही अनु अनु डोंट डू दिस मी अनु 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 यही रहो।
बेबू सुनो, अंगूरी भाभी यहाँ भीग रही हैं, डांस कर रही हैं बारिश में। अरे दरवाजा खोलो, मैं भाभी जी को देखना चाहता हूँ। तुम वहीं रहो, तुम कहीं नहीं आओगे, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, अंदर रहो। मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है, दरवाजा खोलो। पता नहीं लोग ऐसे भीगते कैसे है बारिश में, क्या मजा आता है इनको। अंदर आओ, अंदर आओ, वहीं रहो। भाभी जी, देखिए भाभी जी, घनघोर बारिश हो रही है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, और ये पकौड़े आपके मुंह की गुफा में समा जाने को लालायित हो रहे हैं। कृपा करके इन पकौड़ों की और हमारी ख्वाहिशों का उद्धार कर दीजिए भाभी जी। हो गया, ये और भी कुछ कहना है आपको? अभी तो भाभी जी हमारे मन के शब्दकोश में बस इतने ही शब्द बचे थे जो हमने आपकी श्रद्धा की गंगा में सिरा दिए। भाभी जी सॉरी, मैं पकौड़े नहीं खा सकती। अरे क्यों क्यों नहीं खा सकते भाभी जी? अरे एक्चुअली तिवारी जी, आज मैं अपनी डाइटिशियन के पास गई थी और उसने मुझे सख्त हिदायत दी है कि तली हुई चीजों को हाथ भी नहीं लगाना। हाथ भी नहीं लगा तो हाथ लगाने को कौन कह रहा है भाभी जी? आप मुंह से खाइए, नहीं तो हम अपने हाथों से खिला देते। तिवारी जी, भाभी जी, आपको शायद पता नहीं है कि ये पकौड़े हमने अपनी कामनाओं की अग्नि पर रख कर तले हैं। ये पकौड़े नहीं है, ये हमारी एक एक अधूरी ख्वाहिश है भाभी। तिवारी जी, आपकी ख्वाहिश तेल में लथपथ है और इस ख्वाहिश में कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। मैं नहीं खा सकती, आप खाइए, मैं आपके लिए चाय बना के ला। भाभी जी, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मेरा प्रेम है भाभी जी। हमरे सैया है बिजनेस मैन बा, हमको लाए है सोने की चैन बा। हमरे सैया है बिजनेस मैन बा। हाँ, भरमोती जी कै सुन बा। Well, Bhabhi ji, whenever I see your face, I go bonkers. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. क्या बोले? मैंने कहा मैं ठीक हूँ भाभी जी। इतना ही बोले? तो अंग्रेजी में इतना लंबा चौड़ा क्या बोले? क्या फायदा आपको बता के, समझ तो आता नहीं है आपको। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, मैं ये कह रहा था कि आप कैसी हैं? हम एकदम ठीक बा। भरमोती जी, आपको पता है? हमको तो पता है भाभी जी, लेकिन आप ही को पता नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या पता है? बताइए ना, क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? इस लड्डू के भैया है ना, वो गाड़ी ले रहे हैं। ओह, बैल गाड़ी ले रहे होंगे, क्योंकि बैल हैं, गाड़ी में जुट जाएंगे। भरभूति जी, वो तो इंजन वाला गाड़ी ले रहे हैं। भाभी जी, इस इंजन। हाँ सही पकड़े हैं। कोई टक्कर गई होगी उनको, पुरानी खटारा सस्ते में। अरे विभूति भैया, खटारा ही सही, तिवारी भैया गाड़ी तो ले रहे हैं। विभूति भैया, आप अपने गरेबान में झांक के देखिए, आपने आज तक कभी साइकिल तक भी ली है? सही पकड़े हैं। थैंक यू भाभी जी। सक्सेना जी, ये बंठन के कहाँ जा रहे हैं? नहीं भाभी जी, ऐसे ही थोड़ा इंग्लैंड जा रहा हूँ। क्यों, यहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया? अरे नहीं भैया, मैं हर 6 महीने पे जाता हूँ घूमने के लिए। क्यों सक्सेना जी, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं आप, सुबह सुबह भाभी जी और मैं ही मिलें क्या आपको? मिले तो भैया आप ही और भाभी जी हैं, लेकिन आप मुझे समझते क्या भैया है? अरे मैं बहुत खानदानी अमीर हूँ, दिखाता नहीं हूँ बस। दिखते भी नहीं है। भाई जरा खुलासा करेंगे, किस किस्म की और कितने बड़े रईस हैं, क्या औकात है आपकी? भैया बुरा मत मानिएगा, वैसे आपकी औकात से कहीं बढ़ के मेरी औकात है।
जी, मेरे बैंक अकाउंट में ना 1 करोड़ रुपए हैं और मैं ना इंग्लैंड जा रहा हूँ घूमने के लिए। ये मेरे इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स हैं। वैसे भैया मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूँ, आप कभी क्या मड आइलैंड तक भी गए हैं? गरीब हैं आप भैया बहुत। आई हैव टू कैच अ फ्लाइट, बाय बाय भाई माँ छेड़ियो। हाँ बाय बाय। अंग्रेज चले गए और घरे छोड़ गए यहाँ छेड़ियो के बच्चे। सक्सेना जी इंग्लैंड जा रहे हैं, आप कभी गए हैं क्या भरभूति जी इंग्लैंड? बाय बाय। इंग्लैंड तो गधे भी जाते हैं भाभी जी। मनी इज नॉट एवरीथिंग। बड़ा है रईस का पेडू, रईस जोकर कहीं का। हेलो, हाँ कौन? जयप्रकाश हलवाई? नहीं नहीं, हमें एक्चुअली कोई मिठाई नहीं चाहिए। थैंक यू जी। मैं विभूति नारायण मिश्रा की वाइफ बोल रही हूँ, बोलिए। क्या विभू ने उधार की मिठाई ली है आपसे? कितनी उधारी है? 2000 रुपये। कब ली थी उसने? अच्छा, लेते रहते हैं। ठीक है, मैं भिजवाती हूँ आपके लिए पैसे। ओके ओके। हेलो, ग्लैमर साड़ीज? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं विभूति नारायण मिश्रा की वाइफ ही बोल रही हूँ, बोलिए। क्या विभू ने 10,000 की साड़ी उधार ली? कब ली? 16 अप्रैल। ठीक है, मैं भिजवाती हूँ आपके पैसे। ठीक, ओके। वो साड़ी भी उधार की थी। Disgusting. Yo baby, what's up? ऐसे घूर क्यों रही हो? आजकल बहुत मिठाई खा रहे हो। क्यों? मिठाई खाना क्या तुम्हारी नजर में गुनाह है? उधार मांग के मिठाई खाना मेरी नजर में गुनाह है। मैंने कब उधार मांग के मिठाई खाई यार? अच्छा मांग के मिठाई नहीं खाई तो फिर किसी को खिलाई होगी? किसको खिलाई? और किसको खिलाऊंगा? तुम्हें खिलाई? मुझे तुम खाने के बाद बोलती हो ना स्वीट डिश चाहिए, तो मिठाई मैं कहां से लाता हूँ? वहीं से लाता हूँ, जयप्रकाश हलवाई के पास से। उधार से लाते हो? अरे यार छोटे मोटे उधार दे देंगे यार, तुम भी ना बाबा जी आएंगे ना घंटा बजेगा, दूर दूर तक तुम्हारी इनकम के कोई सोर्सेस नहीं है। यार तुम बीमा बेचते हो? आज तक मैंने तुम्हें एक बीमा बेचते हुए नहीं देखा। कब तक जियोगे विभू ऐसी उधारी की जिंदगी? कब तक? तुम फिर शुरू हो गई अनु? तंग आ गई हूँ मैं विभू, तंग आ गई हूँ मैं इस उधार की जिंदगी से। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरा जो मांग का सिंदूर है वो भी उधारी का ही है। क्या तुम ये सोप के टाइटल बोल रही हो? उधार की जिंदगी, उधार का सिंदूर एंड ऑल दैट जैज़ यार। हो गई है मेरी जिंदगी एक डेली सोप की दुखियारी हीरोइन की तरह, जिसका हस्बैंड निखट्टू है। टेंशन मत लो यार, ऊपर वाला है ना भगवान, सब ठीक कर देगा। डोंट वरी। भगवान ठीक कर देगा लेकिन तुमसे कुछ ना होगा। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा जी, नमस्ते। ये लो, बस इन्हीं की कमी थी, तुमने तो वकील को भी नहीं छोड़ा, आ गए अपनी वसूली करने। एक मिनट यार भाई साहब, मैं आपसे पहले कभी मिला नहीं, मैंने कब उधार लिया आपसे? आप मुझसे क्यों उधार लेंगे? और वैसे भी मैं किसी को उधार ही देता नहीं हूँ। तो फिर आप आए क्यों हैं? जी मेरा नाम एडवोकेट वकील गुप्ता है और मैं विभूति नारायण जी के हकीमपुर वाले हजारीलाल मामा जी के यहाँ से आया हूँ। सत्यानाश।
लिया होगा तुमने अपने मामा जी से उधार, भेज दिया उन्होंने एडवोकेट वसूली के लिए। अरे मैडम सांस तो ले लीजिए। नहीं ना तो ये सांस लेती हैं ना लेने देती हैं। तो बताइए मामा जी कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है? मामा जी नहीं रहे। क्या? Oh God! Oh God! अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। मामा जी मरने से पहले अपनी 25 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके नाम कर गए हैं। क्या? 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 तो मामा जी ने 25 करोड़ की प्रॉपर्टी विभू के नाम कर दी? हाँ मामा जी के कोई औलाद नहीं है ना, तो इनको ही अपना औलाद मानते थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान सब ठीक कर देगा, कहा था ना मैंने? विभू भगवान नहीं, मामा जी ने कर दी तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी। लेकिन मामा जी को उठाया किसने? उठाया किसने? भगवान ने। इस तरह का अनोखा मातम मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तुम्हारे मामा जी। I know. So sad. वकील साहब एक छोटा सा काम है आपसे। हाँ बिल्कुल फरमाइए। अब आप तो करोड़पति हो गए, हमको तो पैसे से मतलब है, आप जो कहेंगे करेंगे। जरा आइए मेरे साथ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? जरा काम से जा रहा हूँ। और सुनो मेरा फेवरेट खाना बना के रखना, आलू मटर पनीर। I love it. आई कमान कि मोविट आइए चल कमान गाइस लेट्स गो। वाह विभू की तो तेवर अभी से बदल गए। 47, 48, 49, 50 ये 50,000 रुपए ने तिजोरी में जाके रख दो, कल हम बैंक में जमा करवा देंगे। ठीक बा भाभी जी। हाँ भरभूति जी कैसे हैं बा? मैं ठीक हूँ। हाय तिवारी जी कैसे हैं आप? बस ठीक है। पैसे तो रख के आओ ऊपर तिजोरी में। ऐसी कौन सी करोड़ों की रकम है जो कोई लूट के ले जाएगा? जनाब कुछ गरीब और बेरोजगार लोग होते हैं जिनका ईमान थाली के बैगन की तरह होता है, वो कभी भी इधर उधर लुढ़क सकता है। लड्डू के भैया काहे ऐसे बात कर रहे हैं? भाभी जी बोले नहीं दीजिए, अभी इनका वक्त है। ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े और सांप के ख्वाब में अंडे। लड्डू के भैया काहे भरभूति जी से ऐसे बात कर रहे हैं? भाभी जी हमारा वक्त भी आएगा। वो कभी नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। बोलिए। सर मैं आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ हैं। हतिया वकील साहब कहाँ है आए हैं? अरे कुछ नहीं, किसी ने इन पर केस ठोक दिया होगा। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, हैं? इस करोड़पति के ऊपर कौन केस ठोकेगा? करोड़पति? कौन करोड़पति? आपके सामने बैठे हैं मिस्टर विभूति जी, यह है करोड़पति और कौन? ये करोड़पति? जनाब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, ये करोड़पति नहीं है, ये सिर्फ पति है अनीता भाभी के। करोड़ों का इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब गलत फहमी तो आपको हो रही है, हैं? और इनका सिर्फ करोड़ नहीं बल्कि 25 करोड़ के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। 25 करोड़ के मालिक कैसे, जरा फरमाएंगे? इनके मरहूम मामा जो है ना, मरने से पहले 25 करोड़ की वसीयत इनके नाम छोड़ गए हैं, और ये सारा पैसा एक हफ्ते में इन तक पहुंच जाएगा। भरभूति जी कॉकरोच लिस्ट से ना 25 करोड़ के मालिक बन गए हैं। भाभी जी कंग्रेचुलेशन। सही पकड़े हैं। क्या बात है भरभूति जी, आप 25 करोड़ के मालिक बन गए फिर भी आप इतने शांत हैं। भाभी जी फलदार पेड़ हमेशा शांत और झुका हुआ होता है। हवा में वही पेड़ उड़ते हैं जिनकी शाखों पर अठन्नियां और चवन्नियां लटकी होती हैं। देखें चलिए सर आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है ना, आप चलिए मैं आया। जी भाभी जी एक मिनट, अब बोल साले। हटिया
तुम जाओ अपना काम करो। अब क्या सेलिब्रेट भी यही करोगी, नाचोगी? अरे कैसी बातें कर रही है पागल, मैं कभी रिश्तों को पैसे से नहीं तोलती, तो क्या हो गया अगर हम इतने अमीर हो गए? मैं रिश्तेदारों को थोड़ी ना भूल जाऊंगी। हेलो भाभी जी। जी आई आई। हाँ अच्छा सुनो, मैं तुझसे ये पूछ रही थी कि मैं गाड़ी कौन सी लूं? रॉडी, वो 1 करोड़ वाली? 1 करोड़ की गाड़ी? हाँ हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हमारे पास इतने पैसे हैं, क्या करेंगे। चलो ठीक है, मैं विभू से बात करके देखती हूँ। नहीं नहीं, विभू के दिमाग में तो वो जस्टिन मार्टिन है। पागल, 25 लाख की नहीं होती, वो 2 करोड़ की होती है। ऑब्वियसली हम तो टॉप एंड मॉडल लेंगे ना। कल तक जो आदमी साइकिल तक खरीदने की औकात नहीं रखता था, आज वो जस्टिन मार्टिन खरीदने का सपने पाल रहा है। भाभी जी तो बड़ी गाड़ी में बैठकर राजकुमारी लगेंगी, लेकिन वो तो ड्राइवर ही लगेगा ना।